नमस्कार प्रणाम पहलाक, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल अजवाज फैमिली ब्लॉग्स में। तो अभी हम लोग हो चुके हैं तीसरे दिन रेडी, तो अभी हम लोग निकल रहे हैं पतंजलि को। तो ये हमने लाइट जो रूम्स की है बंद कर दी है, तो सभी लोग रेडी हो चुके हैं। सामान देख लो, सब देख लिया ना, ना। तो सभी लोग रेडी हो चुके हैं। स्वामी तो बैग को जैसे मैंने बोला था वैसे हैंग करो, देख सकते हो आप लोग इतना अंधेरा हो रहा है। तो इस यहाँ से आप जा रहे हैं, हमारा सेकंड फ्लोर पर रूम था। तो ये है, सोमू भी उठ चुकी हैं, तो अंधेरे में हम लोग को निकलना पड़ रहा है। तो देख सकते हो आप लोग अभी कितना अंधेरा है। थोड़ा सा हमें आश्रम से आगे आना था क्योंकि थोड़ा सा आगे चौराहा है, सुबह सुबह गाड़ियाँ भी नहीं मिलती और हमारी नई जगह भी है। तो हमारी एक वॉक भी हो रही है, मॉर्निंग वॉक, और हम लोग गाड़ी के लिए वहीं चौराहे पे जा रहे हैं। तो जहाँ पे हमारी योगा क्लासेस चल रही थी, हम वहाँ से निकले जब देहरादून से हरिद्वार को, तो क्या बढ़िया व्यू हमें देखने को मिला। बहुत ही बारिश भी हो रही थी हल्की हल्की, आप देख सकते हो जैसे बस के आगे से हल्के हल्के छींटे दिख रहे हैं आपको। मौसम अभी तो नहीं हो रही थी, लेकिन बहुत ही अच्छा व्यू देखने को मिला, इतना बढ़िया लग रहा था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और तो सारी फ्रेशनेस, फ्रेश हो गए हम लोग जब कितनी जल्दी उठ गए थे। तो हरिद्वार जाने के बाद से फिर थोड़ा हमें ये हरिद्वार हम लोग पहुंच चुके हैं, देख सकते हो हरिद्वार में एंटर करते ही आपको ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी, और जिससे जो आपके मन में जो है ना एक शांति सी मिलने लग। तो हम लोग हरिद्वार से पहुंच चुके थे पतंजलि योग फीट फेज़ वन में, तो आप लोग भी बने रहिए और देखिए कि अंदर कैसा है क्या है। मैं भी आज फर्स्ट टाइम। तो ये हम लोग पतंजलि योग फीट के फेज वन में एंटर कर रहे हैं। नहीं आ रही है ऐसे, पहुंच चुके हैं पतंजलि। महर्षि पतंजलि योग पीठ, कुछ ऐसा नजारा है यहाँ पर। फेस वन है, हाँ वो मैंने बता दिया है। पतंजलि आयुर्वेदा हॉस्पिटल आप लोगों को आगे दिख रहा है, देख सकते हैं आप, बहुत ही सुंदर। मैं यहाँ पर वीडियो बनाती हूँ, ओरिजिनली लग रहा है बिल्कुल। ये हॉस्पिटल का अंदर का नज़ारा है यहाँ का, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल पतंजलि। जैसे ही हम हॉस्पिटल के अंदर एंटर करते हैं और जहाँ पर पर्चियाँ कटती हैं, तो उसके जस्ट ऊपर रामदेव बाबा जी आसन में विराजमान है, और आप देख सकते हो बिल्कुल ऐसे ओरिजिनल लग रहे थे। फिर हम लोग फ्रेश होने के बाद से अन्नपूर्णा आहार की बाहर में आए, ये भी हॉस्पिटल के अंदर ही था जहाँ भोजन मिल रहा था। तो यहाँ फिर हम लोग यहाँ पे खाना खाने के लिए आए हैं, यहाँ है कैंटीन, यहाँ से खाना लेना है। तो हमने ऑर्डर किया है स्पेशल थाली, आप देख सकते हैं स्पेशल थाली है 130 की, और चावल, चार रोटी, दाल, सब्जी, रायता, पनीर, मीठा है इसमें। अच्छा अभी इसका टाइम है, ये हमारे जिला प्रभारी हैं, तो वो वहाँ से ले रही हैं खाने के लिए टोकन, वहाँ पैसा जमा हो रहा है और यहाँ बैठेंगे खाने के लिए। और यह है सौम्यता। तो पतंजलि के जो भी अंदर की स्थिति है, जो भी मतलब यहाँ पे है, और साफ़ सफाई, इतनी साफ़ सफाई है ना, आप देख सकते हैं फ्लोर ऐसे चमक रहे हैं, तो बहुत ही साफ़ सफाई के साथ है यहाँ पर चीज़ें। ऊपर थोड़ा घूम के आ गए हैं, तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है, लेकिन हॉस्पिटल का एरिया है पूरा ये आयुर्वेदिक हॉस्पिटल जो है। उसके बाद से हम लोग गुरुग्राम में घूमने जाएंगे आज, तो बहुत ही साफ़ सफाई देख सकते हो आप, बहुत साफ़ सफाई। ये हम लोग बैठ गए खाने के लिए, खाना तो क्या मतलब नाश्ता होगा, नाश्ते के लिए बैठे हैं हम लोग यहाँ पे। आ जाओ यहाँ पर, आ जाओ, अरे थाली लानी पड़ेगी वहाँ से। तो अब यहाँ से हमारे लिए खाना परोसा जा रहा है, तो मैंने तो ऑर्डर कर रखा है, स्पेशल थाली तो नहीं हो पाई अभी क्योंकि वो लंच टाइम में मिलती है। तो मुझे भी पराठा मिल रहा है और दही, और मैंने हलवा करा रखा है दो थालियों में, वो देखते हैं कैसा होगा। कि मुझे पराठा गैस होके लौट रहे हैं क्योंकि अभी पराठे बनने में टाइम है, हम लोग पराठे जब बन जाएंगे तब फिर हमारे लिए हमें लेने ही जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे भी सेल्फ सर्विस है। अब हम लोग
खाना लेके आ गए हैं, तो हमने स्पेशल में अपने लिए हलवा ऑर्डर किया था। स्पेशल थाली अभी बनी थी, वो लंच टाइम में बनेगी, तो सब लोग ने खाना स्टार्ट कर दिया। ये नाश्ते वाला खाना है, मतलब 11 बजे के बाद ही हम लोग को लंच वाला मिलता है। यहाँ पे है बर्तन रखने की व्यवस्था और उधर है हैंड वॉश करने की व्यवस्था, तो हैंड वॉश करके अब हम लोग निकल गए, लोग अभी जा रहे हैं। तो ये है पतंजलि की यज्ञशाला, जहाँ हॉस्पिटल है। तो यहाँ पे तो अभी बैठे हैं लोग, मतलब ऐसे होती होगी ना यहाँ, देखो ये सब एनर्जी करते रहने। अच्छा बहुत। तो ये हॉस्पिटल में आप देख, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, यहाँ पतंजलि में आप देख सकते हो हवन यज्ञ भी हो रहा है, बहुत ही सुंदर हवन यज्ञ, बहुत ही अच्छी, मतलब इतना अच्छा माहौल बना हुआ है, देख सकते हो। ये पूरा पतंजलि आयुर्वेद हॉस्पिटल जो है उसका, और जो बच्चे यहाँ ट्रेनिंग करते हैं उनके ये हॉस्टल्स हैं, उधर दिख रहे होंगे आपको। यहाँ क्या लिखा है, कृपया फूल पत्तियाँ ना छुएं। अभी हम आयुर्वेद हॉस्पिटल पतंजलि के योगा, जहाँ पे यज्ञ प्रक्रिया होती है वहाँ पे हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। तो यज्ञ के माध्यम से भी कुछ रोगों का निवारण किया जा सकता है, तो आप देख सकते हैं। और ये हमारे पतंजलि महिलाएं हैं नैनीताल से। Thank you.
आप भूल जाती तब भी हम दौड़ दे देते। ओके थैंक यू। आपके बेटे को तो ये अभी हम परिधान सेक्शन में हैं, पतंजलि के फेस वन में। देख सकते हो आप।